महादेव जी के दर्शन करवाने लेकर आया हूँ। अभी आपको अंदर का दर्शन करवाऊंगा, देख सकते हो आप। आज मैं आपको द्वादश ज्योतिषी लिंग शिवालय महादेव का मंदिर जो जो राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में प्रसिद्ध है, ये सिवाड़ गांव में स्थित है। ये पहले इस गांव का नाम शिवालय था, फिर अभी इस गांव का नाम शिवालय के स्थान की जगह पर सिवाड़ कर दिया गया है। ये मंदिर सवाईमाधोपुर से लगभग 32 या 33 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर जयपुर से, यदि अगर आप जयपुर से देखते हो, ये मंदिर जयपुर से आते हो, तो आपको ये मूर्ति जो कांच में पर्दा पर दिखाई देती है। यदि अगर आप ये मंदिर में आते हो जयपुर से, तो लगभग जयपुर से 101 से 102 किलोमीटर की दूरी पर है शिव पुराण में वर्णित श्री घुश्मेश्वर का ये प्रसिद्ध मंदिर। शिव भक्ति ब्राह्मण घुष्मा के अपराधों, देव लीला स्थली गौरव माई इतिहास के ग्रोवा शिवाड़ पूर्ण में स्थित व उसके सफेद पोषण पर्वतों पर, देवगिरी पर्वतों पर विराजमान है। जो आप श्रद्धा नामक ब्राह्मण निवास करते थे वहाँ पर, अंचल उसकी पत्नी के वहाँ पर संतान नहीं थी, जिसने सुधा ने अपनी छोटी बहन को गुस्मा के साथ विवाह कर दिया था। गुस्मा शिव भक्ति का कारण उस पुत्र की हत्या कर दी थी, निकटवर्ती सरोवर यानी तालाब में फेंक दिया था। दूसरे दिन जब गुस्मा प्रति शिवलिंग का पूजा करने विराजमान करी गई, तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसके मार पुत्र को, मरी हुई पुत्र को जीवित करा और गुस्मा से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगते हो वरदान। तो प्रभु व्यक्तियों के रक्षा आप सदैव इसी स्थान पर निवास करें। तब भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारे नाम से घुश्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूंगा। शिव पुराण में दिवा ज्योतिषी लिंग को शिवालय विराजमान है। पुराण काल में इस स्थान का नाम शिवालय मिला था। मध्य काल में इस स्थान का गांव का नाम शिवाड़ हो गया है। तो आज मैं आपको शिवाड़ के घुश्मेश्वर महादेव का इतिहास वह बता चुका हूँ। और इस गांव का जो राजा थे उसका नाम था शिववीर, जो इस गांव यहाँ का पर राजा शेर वाली रहे। मैया का और मैं मूर्ति आपको है जो आप ऊपर देख की ओर सकते हो। लेकर चलता चलो हूँ, हम ऊपर की ओर जो चलते ऊपर हैं, वहाँ पर मूर्तियाँ है ऊपर की सफेद ओर चलते हैं। यहाँ पर बीच में देवगिरी पर्वत शिवलिंग के अंचल आपको नजर पर, आएगी तो यहाँ पर 12 जो ज्योतिषी देख लिंग में सकते से हो। अभी 12 आप ज्योतिषी इस लिंग है घुश्मेश्वर महादेव, यहाँ पर ये जहाँ के शिवलिंग है, दर्शन मैं आपको यहाँ करवाने पर लेकर आया हूँ, तो हम आप चलते यहाँ हैं पर देख ऊपर की सकते ओर। हो। ये शिवलिंग यहाँ पर पधराई गई है, उसके बाद ये दूसरी शिवलिंग यहाँ पर पधराई गई है। और यहाँ से आप इस गांव का हरियाली का नज़ारा देख सकते हो, ऊपर से किस प्रकार का नज़ारा है। जो यहाँ पर वो ये ऊपर तीसरी नंबर की शिवलिंग आ चुकी है यहाँ पर। और हम इधर थोड़ा जस्ट इधर आओगे आप, तो यहाँ पर आपको गणेश जी की मूर्ति दिखेगी बहुत बड़ी, जो देख सकते हो अभी आप यहाँ पर इस टाइम किस तरीके की है मूर्ति है यहाँ पर। ताकि यहाँ पर छाए पड़ रही, इसलिए कैमरा थोड़ा ब्लैक आ रहा है। ये यहाँ पर हाथी हाथी भी बनाए गए हैं जो आप देख रहे हैं इसमें। और ये चौथी शिवलिंग है यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें ये चौथी वाली शिवलिंग है। अब ऊपर वाले चलते हैं और आपको पांचवी शिवलिंग भी दिखाएंगे, पांचवी शिवलिंग किस प्रकार की है। चलो चलते हैं। ये यहाँ पर पांचवी शिवलिंग जो पधराई गई है, वो पांचवी शिवलिंग भी आपको दिखाई गई है। इसके बाद यहाँ पर अब चलते हैं छठवीं शिवलिंग पर। छठी शिवलिंग यहाँ पर ये रही, तो छठी शिवलिंग है यहाँ पर। तो चलो चलते हैं हम यहाँ पर। ये शेर और गौ माता की कुश्ती की मूर्ति पधराई गई है जो आप देख सकते हो।
तो हम ऊपर की ओर चलते हैं। इधर तो रह ही गया यार, ये आपको एक और मूर्ति है जो बताना भूल गया मैं आपको। अब बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से ये मूर्ति यहाँ पर पधराई गई है, और जस्ट सबसे ऊपर ही ऊपर हनुमान जी की मूर्ति पधराई गई है, जो वहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ आपको। तो मैं चलता हूँ आपको छठी शिवलिंग पर लेकर। ये छठी शिवलिंग है यहाँ पर, छठी शिवलिंग ज्योति विराजमान। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं, जो यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति पधराई गई है। ये सबसे ऊंची मूर्ति है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो शिवाड़ का नज़ारा, किस तरीके का शिवाड़ का नज़ारा है। यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं बहुत ऊंचा आ चुका हूँ इस मूर्तियों पर। और वहाँ पर ओम की मूर्ति बनाई गई है, ताकि हमें अभी टाइम नहीं है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। हम यहाँ पर ही आ गए, जो आपको बता दिया यहाँ का नज़ारा। सातवीं शिवलिंग दिखा रहा हूँ, जो सातवीं शिवलिंग इस प्रकार से बनाई गई है। और ये यहाँ पर ग्वाले श्री कृष्ण के साथ ग्वाले की मूर्ति भी बनाई गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके की पेंटिंग की गई है, और किस तरीके की एडिटिंग की गई है। यदि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यदि अगर आप इसी प्रकार से यहाँ पर आना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका सिर्फ 10 रुपये का टिकट लगता है, जो नीचे आपका 10 रुपये का टिकट कटता है, और आप यहाँ पर आ सकते हो। सिर्फ मात्र 10 रुपये में आप इतना बड़ा देख सकते हो। यह है 8वीं शिवलिंग जो आपको दिखाई जा रही है। अब मैं आपको 9वीं शिवलिंग पर लेकर चलता हूँ, जो किस प्रकार की है 9वीं शिवलिंग। ये 9वीं शिवलिंग बनाई गई है यहाँ पर, और चल रहे हैं अब, और आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखा चुके हैं, किस प्रकार की किस मूर्ति की बनाई गई है। यह है 11वीं शिवलिंग, और लम दिखा रहे हैं। यह 12वीं शिवलिंग है, जो सबसे बड़ी शिवलिंग मानी जाती है। ये 13वीं शिवलिंग। हम नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, चलो चलते हैं नीचे की ओर, और अभी आपको मंदिर की ओर का नज़ारा दिखाएंगे।